समझते हो। देखो ये भागवत का एक श्लोक है, ये सुत गोस्वामी कहते हैं, कहते भगवान जिनको जिह्वा दिया, लेकिन जिह्वा पा करे तो सारा दुनिया की बात करते हैं, लेकिन भगवान के नाम नहीं लेते हैं। कहते वो जिह्वा किया है, देखो ये श्लोक है, बोले वो जिह्वा को बताए, जिह्वा तादुरी को एव उपगायती उपगाय गाता, ये श्लोक है। कहते जिनको ठाकुर ने जिह्वा दिया लेकिन प्रभु का नाम नहीं लेते हैं, वो जिह्वा कैसे हैं, जैसे मेढक का जिह्वा है। मेढक देखे हो, जैसे टट्र टट्र, अब तो सूरीनाम का समझना, देखना जिह्वा मेढक बरसात का समय में टट्र 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 करता है, और सांप देखता है मेरा आहार मेरे को बुला रहा है, वो धीरे धीरे सर्प आता है, धीरे धीरे जट निकल जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरित मानस में कहते हैं, जिनको भगवान ने जिह्वा दी लेकिन सारा दुनिया की तो बात करते हैं, लेकिन भगवान की कीर्तन नहीं करते, ठाकुर का नाम पर जिह्वा कैसे, बोले बड़े का जिह्वा जैसे। इसलिए भगवान ने जिह्वा दिया, ये 84 लाख जन्मों के बाद में भगवान राम अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं। भगवान राम अयोध्या वासियों को समझा रहे, क्या समझाते हैं, बोले बड़े भाग्यवान सतन पावा सुर दुर्लभ सतक, भगवान राम कह रहे हैं, बोले हे अयोध्या वासियों ये मानव शरीर नहीं है, बोले क्या है, बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवार। हे अयोध्या वासियों ये 84 लाख जन्मों के बाद में केवल एक ही मानव शरीर मिला है, एक जिह्वा मिला है, जिस जिह्वा से तुम भगवान का नाम ले सकते। किसी जानवर को बोलो, किसी चिड़िया को बोलो, पर उनका नाम लोग कोई नहीं ले सकता है। इसलिए भगवान कहते ये मानव शरीर नहीं, पर साधन धाम मोक्ष करे द्वारा ये मुक्ति के दरवाजा पर हम पहुंचे। लेकिन अगर ये जीवन पा करके प्रभु का भजन नहीं किया, नाम नहीं लिया, फिर भगवान कहते फिर वही 84 लाख जीवन में फिर तुमको जाना पड़ेगा, ये मानव शरीर ठाकुर दो बार फिर नहीं देते हैं। इसलिए ये जीवा जीवा पा कर क्या करनी चाहिए, भगवान का नाम जपना, ठीक है ना। आप लोग तो हिंदू लोग हैं, सब श्री नाम से आए हो, बड़े भाग्यवान हैं, श्री नाम से आए हो, देखना जीवन में जो कुछ करना करना, लेकिन जब शरीर छूटता है, जब शरीर छूट जाती है, जब व्यक्ति के मर जाते हैं, देखना जब उसको कंधे पर ले जाते क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, बोलो श्री नाम में क्या बोलते हैं, बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गलत है, सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा जीवन में जितने राम का नाम, जीवन में जितने कृष्ण का नाम लिया वही जा रहा है, और तुमने जो कुछ जीवन में किए हो तुमने झूठे में जीवन बिताया, एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ नहीं जा रही। पत्नी जाएगी तो रो रो कर दरवाजा तक चलेगी, उसको आगे नहीं चलेगी, परिवार चलेंगे तो शमशान तक चलेंगे, उसको आगे कोई जाने वाले नहीं। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदा गुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने
राम रतन शायद आप लोग सब जानते हो, सब पंडित आप लोग सब, इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहते जीवन में तुम्हें मिला ही क्या जीवन में, कहते जितने प्रभु का नाम लिया ना, राम का नाम कृष्ण का नाम जितने लिया, कहते वही साथ में जा रहे हैं और जगह में सब ही खोवायो, जगत में सब खोया सब यही छोड़ कर जाए, ठीक है ना। इसलिए सब के सब मेरे पीछे पीछे और ताली बजा कर दी, हाथ में ताली बजाती हुई। देखो ये दोनों हाथ का तभी सार्थकता है, केवल ये इंसान के बगैर ये भी ताली कोई नहीं बजा सकता, केवल इंसान ही बजा सकता है, हैं? और कोई नहीं बजा सकते हैं। इसलिए इन हाथों का तभी सार्थकता है। इसलिए भागवत में बताए अगर इन्हीं हाथों से प्रभु की सेवा नहीं किया, कहते सब करो वा गुरु तो सफर जिया हरे लसत कांचन कंकणों, कहते यहाँ से यहाँ तक तो सोने की कंकण पहने, लेकिन इन्हीं हाथों से ठाकुर को सेवा नहीं करते। गोस्वामी तुलसीदास जी के तो हाथ नहीं, वो मरा हुआ हाथ, सब करो ये हाथ मरा हुआ हाथ है, क्यों इन्हीं हाथों से भगवान की सेवा नहीं होती है। तभी ये हाथों की सार्थकता है जब इन्हीं हाथों से ठाकुर को सेवा हो, जब भगवान की कीर्तन में ताली बजाए, ठीक है ना। सबके सब पीछे पीछे ताली बजाते हैं कीर्तन करना, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण Yeah.
समय कहीं सत्संग हो रही थी, सत्संग में संत कीर्तन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग तो कीर्तन कर रहे थे और लोग कुछ कीर्तन नहीं कर रहे थे। तो संत ने कहा, देखो जब भगवान का नाम लेते हैं ना, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, जीवन का सारे अमंगल खत्म हो जाती है। लेकिन जो भगवान का नाम लेते हैं क्या होता है, उसका सारे पाप उड़ जाती है, सारे पाप उसको उड़ जाती है। लेकिन जा करके फिर कहाँ बैठेगा, बोले जो भगवान का नाम नहीं लेते, जो भगवान का नाम लेंगे पाप तो उड़ जाएगी, लेकिन उसको बैठने के लिए जगह से चाहिए ना, इसलिए कहाँ बैठेगा, फिर जाकर जो नाम प्रभु नहीं लेते फिर उनको सर पर जाकर बैठ जाता है। इसलिए नियम है जब भगवान का कीर्तन हो नाम हो उसको पीछे पीछे सबका नाम लेनी चाहिए। देखो इसमें तीन नाम है, जैसे हम कहते हैं ना हरे कृष्ण, मेरे पीछे पीछे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम। बोले ये हरे का मतलब क्या होता है, कहते हरे का मतलब होता है हमारा जीवन का जितने दुख है, जीवन में जितने कष्ट है, इसको जो हर ले, जीवन का सारे दुख कष्ट को जो खत्म कर दे। हम संसार में सब दुखी है, कोई भी एक सुखी नहीं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई गर्लफ्रेंड से दुखी, कोई बॉयफ्रेंड से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी। संसार में कोई नहीं बोल सकता हम सुख में हैं, क्योंकि गीता में कृष्ण खुद कहते हैं, ये संसार को कृष्ण कहते दुखा लयम, ये गीता का श्लोक है, कहते ये संसार नहीं ये दुख का ये घर है, जिसने बनाया दुनिया को खुद कहता है ये संसार दुख का घर है, कृष्ण स्वयं कहते हैं, गीता का श्लोक है, दुखालयम असा सत्वम, ये दुख का घर हमने बनाया। बोले क्यों बनाया दुख का घर, बोले ज्यादा सुख में रखेंगे ना भगवान की याद नहीं करेंगे, बोले भगवान भगवान कौन होता है, हम ठीक ठाक हैं, इसलिए दुनिया दुख का घर है। लेकिन ये जो हरे शब्द है, कहते हरे मतलब होता है भगवान के नाम लेने पर जीवन का जितने दुख कष्ट, जीवन का जितने समस्या जो हर लेते हैं, मतलब जो दुख को जो दूर कर देते, इसलिए उनका नाम हरी, इसलिए वो हरे। बोले कृष्ण मतलब क्या, कहता हमारा मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता है, हैं इधर उधर भटकता है, मन स्थिर नहीं होता है। क्री मतलब होता है आकर्षण करना, ये जो भटकते हुए मन को जो भटकने नहीं देना है। क्री स्ना मतलब आनंद देना, मन को जो भटकने नहीं दे और जीवन में जो आनंद दे, इसलिए कृष्ण। बोले राम, बोले राम का मतलब क्या होता है, बोले जीवन में हमें जो आराम दे, जीवन में जो शांति सुख आराम दे, इसलिए उसमें तीन नाम है हरे कृष्ण नाम है। इसलिए इसमें जो तीन जो शब्द है, ये जो तीन शब्द है ना, तीन चीज को प्रदान करेगा, जीवन का दुख हरेगा, भटकते हुए मन को भटकने नहीं देगा और जीवन में जो शांति और सुख देगा, इसलिए उसमें तीन नाम। आप बोलेगा अरे भगवान बेकार है, भगवान का नाम लेने से नहीं, दुनिया जो चलता है ना शब्द से, सारी दुनिया शब्द से चलता है। अगर मैं बोलूं आपका नाम क्या है, माधवी, देखो इस शब्द का क्या कमाल है, अगर मैं बोल दूं माधव दीदी बहुत अच्छी है, नेचर से बहुत प्यारी है, दूसरों को दुख दूर करती है, दूसरों को सुख में सुखी, दूसरों को दुख में दुखी रहती है, सबको मदद करती है, देखो शब्द ही है ना, वो खुश कर देगी, प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन शब्द की कमाल है, अगर इसको स्टूपिड नॉनसेंस इडियट बोल दूं ना, देखना क्रोधित होकर मारने दौड़ेगा, क्या ये सारे शब्द का कमाल। देखना घर में संसार लड़ाई क्यों होता है, कुछ नहीं, लेकिन बस मुंह से थोड़ी सी शब्द कैसे बुरी निकल गई, घर में लड़ाई झगड़ा आसान, पति पत्नी में क्यों लड़ाई हो जाती, परिवार में केवल शब्द से, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, केवल मुंह से कैसे थोड़ी सी गलती शब्द निकल गया, देखना घर में लड़ाई झगड़ा अशांत दुख। जब ये साधारण शब्द में ये शक्ति है, जब भगवान जो दुनिया की जो मालिक है, जो सृष्टि करने वाले दुनिया की, तब उनके नाम में क्या शक्ति नहीं होगा। आप लोगों ने वाल्मीकि का नाम सुने होंगे, पहले ये दशरथ ना करता, जब नारद जी से मिले, नारद जी बोले बोलो राम, बोलो बोलो, लेकिन उसको मुंह से राम ही नहीं निकला, बोले क्यों, वो पापी था, वो पापियों का मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकलता है।
बोले तू तो लोगों को मारता था, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकता, बोले हाँ ये तो बोल सकता, इसे बोले मरा मरा बोलो बस, मरा मरा करते करते कहते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, बोले नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार कर सुमन मनवाई। अगर वाल्मीकि जैसे दस रत्नाकर, अगर मरा मरा करते करते अगर राम राम हो गया, अगर प्रभु राम आने से पहले रामायण को उन्होंने लिख कर रख दिया, भगवान आने से पहले उन्होंने रामायण लिख दिया, अगर उल्टा नाम में इतने शक्ति हो सकता है, अगर हम सीधा करके नाम को ले तो फिर उसमें क्या नहीं हो सकती है, जीवन का सब कुछ बदल जाएगा भगवान की नाम ग्रहण कर से, ठीक है ना। इसलिए आप लोग सब के साथ मेरे पीछे पीछे ठाकुर का नाम लो, जिसमें हमारे सुख मिले, जीवन का सारे दुख दूर हो, ठीक है, पीछे पीछे मेरा नाम लेना। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोलो तब कृष्ण कृष्ण सब गोपलक करते हुए सब भक्त लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर हरि कीर्तन हो रहा है, भगवान के नाम कर रहे हैं फिर भगवान के मंदिर में। इसलिए अगर जिस बच्चे के उद्देश्य में भगवान के नाम कीर्तन और सत्संग द्वारा किया जाए ना, कहते बच्चे को घर में अच्छा संस्कार पड़ता है, वो बच्चा बहुत अच्छा बनता है। क्यों? जिसके उद्देश्य में सब भक्त लोग आए, कीर्तन हो रही है, कथा हो रही है। देखो ये शंकर जी स्वयं पार्वती को ये बात कहते हैं, कौन कह रहे हैं? शंकर जी कह रहे हैं। शंकर जी कौन है? शिव ठाकुर। बोले सत्यम शिवम सुंदरम, कह रहे हैं किसको?
बोले जगदम्बा जगत जननी को कह रहे हैं। ये तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले देखो पार्वती जगत में सब चीज सुलभ है, लेकिन पार्वती जगत में एक चीज बड़ा दुर्लभ है। माता पार्वती कहती है प्रभु जगत में किस चीज की दुर्लभ है, हैं? शंकर जी कहते हैं पार्वती सत संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एक बार। ये पार्वती जगत में जो सत्संग है, जीवन में जो भगवान की जो कथा पार्वती, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो है, कि जगत में दो चीज दुर्लभ है, एक संतों का संग और एक भगवान की कथा, ये दो चीज बड़ा दुर्लभ है। इतने में माता पार्वती बोली, बोले आप कह रहे हो प्रभु जी सत संगति दुर्लभ संसार, बोले हाँ, बोले दुर्लभ कहा, देखो सुलभ है ना, देखो ना कहीं अगर सत्संग होना भगवान का कीर्तन नाम हो, अरे भारत से ले तो पंडित आए, यहाँ पर सत्संग होगा कीर्तन होगा, आओ सबके सब हरि कथा होगी सत्संग होगा, निमंत्रण देता है ना सबके सब, आओ 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 आओ। इसलिए पार्वती कहती है बोले प्रभु आप कहते हो सत संगति दुर्लभ संसार, बोले दुर्लभ का सुलभ है, ये तो सुलभ हो गया। देखो शंकर जी क्या कहते हैं, बोले पार्वती बोले आप तो यही सारा अति कठिनाई, कहते राम कृपा बिनु आई न जाए, कहते हे पार्वती आप तो यही सारा अति कठिनाई। अगर कहीं कोई हीरो आता हुआ सुनेगा ना भारत से सलमान खान आ रहा है, नहीं तो ऐश्वर्या राय आ रही है, नहीं तो हैं, नहीं तो अमिताभ बच्चन आ रहा है भारत से, अगर पता चले ये मंदिर में आएगा, अब बताओ कितना लोग आएंगे, बताओ आप बोलो कितना लोग आएंगे, भर जाएगी, बताओ कितने लोग आएंगे, तब भी टिकट मिलेगा। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आप तो यही सारा अति कठिनाई, अगर कहीं सत्संग हो प्रभु का कथा होना पार्वती कोई नहीं आएगा, हजार बहाना बनाएंगे, ये दाम पड़ गया था ये पड़ गया था इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन कोई उल्टा पुलटा काम है ना, ओ वहां पर तो लोग प्यार रखने का भी जगह नहीं होगी। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आप तो यही सारा अति कठिनाई। फिर माँ पार्वती प्रश्न करती बोले प्रभु देखो कौन कौन बोल रहे हैं, जैसे कोई गहरे गहरे कोई व्यक्ति हो ना, साधारण व्यक्ति हम महत्व, अरे उसकी बात का क्या महत्व है, लेकिन यहाँ पर स्वयं देव देव महादेव कह रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, योगी योगी महायोगी कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, जिस देवी को हम व्रत रखते हैं, जिस देवी को हम पूजा करते हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं। एरे गेरे व्यक्ति की संवाद नहीं, ये शंकर पार्वती की संवाद है, ये शंकर जी कह रहे हैं। इसलिए कहते प्रभु फिर ये सत्संग में रुचि किसकी होती है, शंकर जी कहते पार्वती बोले अति हरि कृपा जा पर होई पाब देई गत सोई। बोले पार्वती अति हरि कृपा जा पर होई, बोले जिसको ऊपर में ठाकुर जी की विशेष कृपा हो, जिसको ऊपर में डायरेक्ट ठाकुर जी कृपा हो जाए पार्वती, बोले पाब देही असंगत सोई, हे पार्वती तभी भगवान की कथा में प्रभु की भजन में तभी रुचि लगती है, नहीं तो नहीं रुचि लगती है। इसलिए श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं और श्री भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये जो सत्संग है, ये जो भगवान की कथा है, बोले स्वर्ग सत्य च कैलासे वैकुंठ नास्ते अमरस, कहते जो सौभाग्य आज हमें ये राधा कृष्ण मंदिर में मिला है। सुखदेव गोस्वामी कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी नसीब में नहीं मिलती है, कहते स्वर्ग लोक की बात छोड़ दो, कहते ब्रह्म लोक में जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं वहां पर भी उनको सौभाग्य, बोले उसकी बात छोड़ दो, कहते कैलाश में भी ये सौभाग्य नहीं, बोले कैलाश की बात छोड़ दो, वैकुंठ में भी ये रस नहीं है। ये भागवत कहता है वैकुंठे नास्ते अमरस। अब हनुमान जी का नाम सुने हो, कौन कौन हनुमान का हनुमान जी का नाम जानते हो, हाथ उठाओ तो कौन कौन हनुमान का नाम जानते हो, कोई हाथ नहीं उठा रहे, हाथ नहीं उठा सकते हो, सब अब हनुमान जी का नाम जानते हो। जिस समय भगवान राम, अब तो रामायण सुने होंगे,
जिस समय भगवान राम ये अयोध्या छोड़ करके अपना संकेत धाम को जा रहे हैं, सारे अयोध्या वासी बैठे हुए, प्रभु राम को साथ में संकेत धाम जाएंगे, सबके सब सारे अयोध्या वासी तैयारी बैठे। भगवान राम ने देखा एक व्यक्ति यहाँ पर है नहीं, कौन नहीं, बोले हनुमान जी। बोले भैया हनुमान जी कहाँ गए? हम कहते हैं ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले। देखा हनुमान जी कोने में बैठे करके प्रभु का नाम जप कर रहे थे। भगवान राम ने पूछा, हनुमान जी वैकुंठ नहीं जाओगे? देखो सारे अयोध्या वासी तैयारी वैकुंठ जाने की, तू यहाँ कोने में क्या कर रहे हो? वैकुंठ नहीं जाओगे? देखो हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले प्रभु क्या आपके वैकुंठ लोग में आपकी कथा सुनने को मिलेगी? कहते वैकुंठ में क्या तुम्हारी कथा सुनने को मिलेगी? भगवान राम ने कहा, हनुमान जी जब मैं स्वयं वहां पर हूं, जब मैं स्वयं वहां पर, फिर कथा की क्या जरूरत है? देखो हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले प्रभु आप जहां पर हो वहां पर हो सकता है आपकी कथा नहीं, लेकिन आप कथा जहां पर होती है वहां के 100% आप वहीं रहते हो, आप वहीं रहते हो। आपने स्वयं बताया ना, मद भक्ता जत्र गायति तत्र तिष्ठा में नारद, अब नारद होता है ना, जहां पर मेरी कथा वहीं पर मैं रहता हूं। इसलिए प्रभु जहां तुम्हारी कथा नहीं मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं। भगवान राम ने पूछा, हनुमान जी बता फिर तो कब आओगे? बोले प्रभु तब तक ये दुनिया में रहूंगा जब तक तुम्हारी कथा चलती रही, जब मैं देखूंगा तेरी कथा नहीं हो रही है एक सेकंड के लिए भी यहाँ नहीं रहूंगा, मैं सीधा आपके पास में चला जाऊंगा। हैं, ये कथा की इतने महत्व है भगवत, कथा की इतना महत्व है। इसलिए आज समझो हम लोगों का बड़ा भाग्यवान है, ये बच्चे के सर मुंडन पर हम सबके सब यहाँ पर आए, जिसकी उद्देश्य पर हरि कीर्तन हरि कथा हो रही है, बच्चे को ऊपर में भगवान के आशीर्वाद मिलेगा। हैं, इसलिए देखो हम आप लोग तो सब भारत के लोग हो, सब सुरीनाम के लोग हो, हिंदू लोग हैं, आपका पूर्वज सबके सब भारत से आए थे, हैं सबके सब आप भारत से आए हो, बड़े आप लोग भाग्यवान। हम लोग कहाँ से आए? भारत। भारत मतलब क्या है? बोले भा मतलब होता है प्रकाश, भा मतलब प्रकाश, रथ मतलब जो हर समय प्रकाश का तरफ में रहते रहते हैं, वो भारत है। हैं, वो ऋषि मुनियों का स्थान है, गीता रामायण के स्थान है, कृष्ण भगवान राम के हनुमान जी के स्थान श्री भारत भूमि हो। आप लोग वहाँ से, आप लोग सबके सब वहीं से आप लोग आए हो, इसलिए इसको देख करके मैं बड़ा खुश हुआ। किस चीज़ को देख कर खुश हुआ? आप बच्चे का जो मुंडन है ये भगवान के मंदिर में करा रहे हैं। कहाँ पर करा रहे हो मुंडन? कहते भगवान की मंदिर में आप मुंडन करा रहे हो। और मैंने देखो माता जी जब मुंडन हो रहे थे ना, बड़ी सुंदर सुंदर कृष्ण की बधाई आ रही है, अच्छी अच्छी। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी हिंदुओं का संस्कृति है। कोई भी काम भी आप प्रभु का नाम के माध्यम से करो ना, वो काम बहुत अच्छा होता है। इसलिए कहते मंगल भवन अमंगल हरी है, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति है। आप लोग अभी भी, आप लोग सूरीनाम का लोग ये भारतीय संस्कृति को रक्षा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ये अच्छी बात है जो भारतीय संस्कृति को रक्षा कर रहे हो। इसलिए हमारे शास्त्र में 10 तरह का संस्कार बताया। जो पहला जो संस्कार है, कहते जो पहला संस्कार है वो संस्कार को बताया गर्भाधान संस्कार। बोले गर्भाधान संस्कार मतलब, बोले जिस दिन गर्भ में बच्चा आकर के आधान करता है,
सब बच्चों को देख रहे हैं, अभी कोई कथा नहीं सुनेगा नहीं शाम से तो क्या कोई कथा नहीं सुनेगा, वो वहाँ बच्चे बैठा लेकर बैठो, वहाँ बैठ जाओ, सुन देगी महाराज नहीं आप वहीं बैठो वहाँ बैठो। इसलिए पहला संस्कार है कहते हैं गर्भाधान संस्कार। बोले गर्भाधान संस्कार मतलब क्या है, जिस दिन बच्चा माँ के गर्भ को आश्रय ग्रहण करता है, अगर वो दिन अच्छा हो बढ़िया दिन हो तो बच्चा बहुत अच्छा बनता है। आप लोग भागवत में कथा सुने होंगे, उसमें दो राक्षस हुए थे, एक का नाम हिरण्यकश्यप और एक का नाम हिरण्याक्ष। जानते हो क्यों ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए, कहते कारण है जिस दिन और जिस समय वो बच्चा माँ के गर्भ में आया है वो समय बहुत गंदा समय था, वो समय था शाम का समय था, इसलिए शाम का समय होने का नाते कहते श्री इनकी जो माता थी अदिति थी ये कश्यप ऋषि से शाम का समय में मिलने के लिए गई बड़ी सुंदर श्रृंगार करते हुए। कश्यप ऋषि ने मना किया, देखो अदिति ये अच्छी समय नहीं, ये शाम का समय है, यहाँ पर शंकर जी अपना भूत प्रेत के साथ में घूमते हैं, अभी तुमने मिलो नहीं। लेकिन वो उसका जो पत्नी बड़ी तामातुर हो गई थी और उसने जोर जबरदस्ती अपना पति से मिले। कश्यप ने कहा तुमने अच्छे काम नहीं किए, अभी तुम्हारे गर्भ में दो दैत्य जन्म ग्रहण करेंगे और दुनिया के लिए हानिकारक बनेंगे, और ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने हैं हिरण्याक्ष। अब देखना कभी कभी बेटा बहुत अच्छा होता है, बड़े आज्ञाकारी बेटा होता है, सवेरे उठेगा आपका चरण छुएगा, पिता माता के आदेश पालन करता है। लेकिन देखना कभी कभी ऐसे बच्चा इतने नास्तिक इतने दुष्ट इतने बदमाश होते हैं, पिता माता की नाम बात ही नहीं सुनते। बोले क्यों, कारण है जिस दिन जिस समय में वो बच्चा माँ के पेट में आया पेट में अच्छा समय नहीं था, इसलिए इसको कहते गर्भाधान। दूसरी संस्कार गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार मतलब जब पेट में बच्चा हो माताओं को सावधान रहनी चाहिए, उस समय गीता पढ़े रामायण पढ़े भगवान की कथा सुने ना, वो बच्चा बड़ा संस्कारी बनकर के आएगा है, बड़ी संस्कारी बनकर के बच्चा आता है। अगर पेट में बच्चा रहते हुए गंदी गंदी पिक्चर डिस्को डांस उल्टा पुल्टा देखोगे वो बच्चे के ऊपर अच्छे संस्कार नहीं पड़ता है। आप लोगों ने रामायण देखे होंगे, लव कुश देखे होंगे, जब लव कुश सीता जी के गर्भ में लव कुश थे, इतने में अयोध्या में देखे होंगे भगवान राम ने जितने साधु संत को बुलाए और वहां पर सत्संग और हरि कीर्तन हुई, भगवान राम ने कहा सीते तेरे को पता है आज ये साधु संतों को क्यों बुलाए, आज ये हरि कीर्तन सत्संग क्यों हो रही है। बोले क्यों, बोले तुम्हारे गर्भ में अभी ये बच्चा है, अगर इसी समय में तुम अगर हरि चर्चा सत्संग सुनोगे तो बच्चे अच्छे संस्कार बनेंगे, वही लव और कुश बन करके जन्म हुई। आप लोगों को देखे रामायण देखे हो लव कुश को देखे होंगे कितना बलवान बने हैं, कितने बलवान, और राम कथा उन्हें राम को राम कथा सुना रहे थे, इतने बचपन में इतने धुरंधर हुए। बोले क्यों, गर्भ में रहते हुए उन लोगों ने माता सीता ने प्रभु की कथा सुनी ठाकुर के भजन की भक्ति की, इसलिए बच्चा इतने अच्छी बने। तीसरा संस्कार होता है नामकरण, ध्यान देकर सुना, कहते नामकरण संस्कार। नियम है ऐसे नहीं मन में जो आए उल्लू गुल्लू टिक्की पिंकी सब कुत्तों का नाम बच्चों का नाम पर धरवा दो, नहीं ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति है बच्चा जिस समय में जन्म हुआ है वो जन्म और नक्षत्र को लेकर के किसी पंडित के पास में जाओ, पंडित को उसका जन्म नक्षत्र पंडित को दिखाओ, उसको देख करके फिर उसमें एक नाम अक्षर निकालेगा, पहला अक्षर को रख करके भगवान राम हो कृष्ण हो ठाकुर का नाम पर बच्चे का नाम धरवाओ है, बच्चों का नाम धरवाओ। आप लोग भागवत कथा सुने होंगे अजा मिली बहुत बड़ा पाप था, बहुत बड़ी पाप कर्म किया, लेकिन उसने बेटा का नाम कैसे नारायण रख लिया था, लेकिन बड़ा पापी था, लेकिन बेटा सबसे छोटा बेटा सबसे प्यारा होता है, अंतिम समय में उसने भूल से कैसे अपना बेटे को नारायण बोल दिया। एक तरफ से तीन जमदूत उसको लेने के लिए आए भागवत में कथा है, और नारायण उन्होंने जो बोला, दूसरे तरफ में चार विष्णुदूत आए, घमासान लड़ाई दोनों में, विष्णुदूत कहते हम इसको ले जाएंगे, जमदूत कहते हम ले जाएंगे, इतना पाप उसने कर्म किया, पत्नी को त्याग दिया, वेश्या के साथ में रहा, अमित्य कुमित्य जितने चोरी डकैत गुंडागिरी किए सीधा नरक जाएगा,
लेकिन विष्णु तो कहते नहीं, क्या तो पाप है, लेकिन अंतिम समय में उसने भगवान का नाम लिया। बोले भगवान का नाम कब लिया? वो तो अपने बेटा का नाम ले रहा था। उसने बेटा का नाम नारायण, बेटा का नाम लिया, भगवान का नाम क्यों? कैसे परिहास्यं वा स्तोभं हेलन विवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहम विष्णु। लेकिन धीरे धीरे हम इधर आकर के कभी अपना संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। जा करके टुन्नो बोलो टिंकी फिक्की जितने कुत्तों का नाम, बच्चों का नाम, कुत्तों का नाम धरवा रहे हैं। नहीं, बच्चों का नाम भगवान का नाम पर धराओ, ठाकुर का नाम पर धराओ। कम से कम जितना बार तुम्हारी जीवा में ठाकुर के नाम, जितना बार बच्चे को बुलाओ उतना बार तुम का नाम आए। जिस घर में ठाकुर का नाम ली, घर का सारे अमंगल दूर हो जाएगा। बच्चा का कान में जितना बार भगवान का नाम पड़ेगा, बच्चे का भी कल्याण होगा, पूरा परिवार भी कल्याण कल्याण ही, पूरे परिवार की कल्याण कल्याण ही। इसलिए भूल से भी अगर मुंह से प्रभु का नाम निकल गया, बस जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। इसलिए बच्चा का नाम क्या धरवाया? इसलिए बच्चों का नाम भी कृष्ण नाम पर धरा। इसलिए आप लोग भी बच्चों का नाम ठाकुर का नाम पर धरा है। जितना बार मुंह से प्रभु का नाम निकलेगा उतना बार आपका कल्याण, परिवार का कल्याण, सबकी। इसको कहते नाम करने संस्कार। उसको बाद में होता है अरे मुंडन संस्कार। जैसे आज हमने मुंडन संस्कार मंदिर में करवाया, ठाकुर जी की मंदिर में करवाया ये मुंडन संस्कार। उसको बाद में होता है फिर अन्न प्राशन संस्कार। अन्न प्राशन संस्कार मतलब होता है बच्चे का मुंह में जब सबसे पहले अन्न दी जाए, पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, तुलसी दल से ठाकुर जी को भोग लगाओ। भोग लगा कर उसमें कुछ विशेष मंत्र होता है, वो मंत्र को साथ में वो बच्चे को मुंह में सबसे पहले भगवान का अगर प्रसाद जाएगा, ठाकुर जी का अगर प्रसाद जाएगा, बच्चे को अंदर में अच्छे संस्कार पड़ेगा, वो बच्चा अच्छा होगा, बच्चा बहुत बढ़िया बैठेगा, बच्चा बड़े होकर के आपके चरण छुएगा, आपका आदेश पालन करेगा, आपकी सेवा करेगा, बच्चा अच्छे संस्कारी बच्चा फिर अच्छा संस्कारी बनता है। उसको बाद में कहते फिर विद्या संस्कार। सबसे पहले जब उसको हाथ में पेंसिल धराया जाए, ये संस्कार सबसे पहले भगवान के नाम से, हाँ राम से नहीं तो कृष्ण से, ये नाम को प्रभु सबसे पहले उसको हाथ में जो पेंसिल धरा जाए ठाकुर का नाम लिखवा कर दिलवाया जाए। इसलिए हमारे भारत में ये 10 तरह का